अगस्ता घोटाले पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस की सफाई पर सवाल उठाए। वहीं इस मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग खारिज होने के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अगस्ता डील पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पर्रिकर ने कहा कि कांग्रेस अपने तर्कों से अपनी बातों को साबित करने में लगी है। उन्होंने कहा अगस्ता डील में नियमों की अनदेखी हुई है और सवाल ये उठता है कि इसके लिए एक ही वेंडर क्यों था। द मोटिव्स बिहाइंड दिस डिसीजंस आर टुडे बीइंग डाउटेड बाय एंटायर नेशन। एंटनी हिमसेल्फ सेड दैट देयर इज अ करप्शन। पर्रिकर ने कहा कि यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी डील में भ्रष्टाचार की बात मान चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उन सभी लोगों के खिलाफ जांच होगी जिनके नाम इटली की कोर्ट के जजमेंट में सामने आए हैं। कंट्री वांट्स टू नो एज़ टू हु इंस्टिगेटेड, हु सपोर्टेड एंड हु बेनिफिटेड फ्रॉम द करप्शन। हालांकि विपक्ष पर्रिकर के बयान से संतुष्ट नहीं दिखा। कांग्रेस ने भाषण को ये कहकर बेकार बताया कि इसमें सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। अनाउंस करें सदन के अंदर कि किसने पैसा लिया है और कितना लिया है, और अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो ये जो कांग्रेस को बदनाम करने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है ये बंद करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग की बात कही, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। What judgment is? There is corruption. So blacklist the company at the earliest and remove the company from the Make in India project. विपक्ष ने रक्षा मंत्री के बिना सर्कुलेट किए लिखित बयान पढ़ने पर भी हंगामा मचाया और इसे शर्मनाक बताया। अगस्ता डील में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और एरोमेट्रिक्स कंपनी के डायरेक्टर रहे गौतम खेतान से सीबीआई कल भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक गौतम खेतान ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने दलाली की रकम हासिल करने के लिए कंपनी बनाई। अगस्ता डील मामले में आरोपी गौतम खेतान ने आज सीबीआई पूछताछ में कबूल किया है कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से दलाली के पैसे लेने के लिए आईडीएस ट्यूनिशिया कंपनी खोली थी। सूत्रों के मुताबिक ये कंपनी आईडीएस इंडिया की सिस्टर कंसर्न के तौर पर खोली गई थी। जांच में ये बात साबित हो चुकी है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने आईडीएस ट्यूनिशिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, बाद में ये पैसे आईडीएस इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। गौतम खेतान पर हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिए से पैसे लेकर रिश्वत की रकम बांटने का आरोप है। सीबीआई गौतम खेतान से कल भी पूछताछ करेगी। वहीं पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने सीबीआई से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। ये पूछताछ कल भी जारी रहेगी। ईडी भी इस मामले में त्यागी से कल पूछताछ करेगी। अगस्ता डील मामले में सीबीआई ने एसपी त्यागी समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गौतम खेतान पर दलाली के पैसे वसूल कर उन्हें लोगों में बांटने का आरोप है। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने कर्ज में डूबे उद्योगपति विजय माल्या का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आज राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन ने सदन में ऐलान किया कि सभापति हामिद अंसारी को 3 मई को माल्या की एक चिट्ठी मिली थी जिसमें उन्होंने सदन से इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। माल्या का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। उनके खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी चल रही है। 17 बैंकों से 9000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर चले गए थे। वो फिलहाल लंदन में है। योग गुरु बाबा रामदेव आज दिल्ली में विश्व योग दिवस का न्योता देने लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे। रामदेव ने लालू यादव को पतंजलि के प्रोडक्ट गिफ्ट किए और साथ में लालू को गोल्डन क्रीम लगाकर योग भी सिखाया।
जब योग गुरु बाबा रामदेव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की दिल्ली में मुलाकात हुई तो तस्वीरें कुछ ऐसी दिखी। वैसे बाबा रामदेव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लालू को न्योता देने गए थे, लेकिन वो अपने साथ उनके लिए पतंजलि का हैम्पर ले जाना नहीं भूले। मुलाकात के दौरान रामदेव ने लालू को कभी योग कराया तो कभी उनके चेहरे पर गोल्डन क्रीम लगाई। इतना ही नहीं, रामदेव ने लालू को एनर्जी बार भी खिलाया। इस दौरान दोनों के बीच पुराने गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई दिए। लालू ने कहा कि उन्होंने कुछ वक्त पहले बाबा रामदेव को मेंटल नहीं बल्कि मेंटोर कहा था। बाबा जी को तो लालू जी ने मेंटल बोला, तो इन्होंने मेंटल बोला ही नहीं, इन्होंने बोला क्या बोला? बोल दिया कि मेंटल बोला लालू जी का, मेंटर बोला।